सर आज खोए खोए से लग रहे हैं। हाँ थोड़ा सा टायर्ड हूँ। श्रेया मैडम के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हाँ अब तो रोज। मुझसे कैसी शर्म, आपकी उम्र मैं कब का ही पार कर चुका हूँ। अच्छा मिस्टर सेन, आपकी शादी को कितने साल हो गए? इस सितंबर में 4 साल पूरे होंगे। 4 साल हो गए। हाँ। एक बात पूछूं, डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने 4 साल के बाद भी वो करते हैं? समझ रहे हैं ना, अभी तो और भी बढ़ गया है। बढ़ती है? बुरा मत मानिएगा, मैंने बस क्यूरियोसिटी में पूछ लिया। अरे बिंदास पूछिए, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। और एक बात थी, वो ये थी कि अभी करने जाओ तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है मेंटली या फिजिकली? कपाल भाती और अनुलोम विलोम करने से सारे औजार मस्त रहते हैं। मैंने सुना, सोचा तो फेक न्यूज है। इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि मैं तुझे बता भी नहीं पाई यार। जल्दी भी हुई है और हद भी हुई है। बिना कंपनी को जाने उसके शेयर कैसे खरीदे? तूने मेरे सारे बॉयफ्रेंड को जज किया है अब तक। मैं पहले से अंदाज लगाकर हिसाब जोड़ लेती हूँ, 10 से भी पहले। ऊजा लड़का अलग है, एक चार्म है उसमें। सबके बारे में एक ही बात बोलती थी, तू मुझे हैप्पी नहीं देखना चाहती है ना? कितने दिनों के बाद आज ऑफिस आकर बात कर रही हूँ। नहीं, तेरे सारे रिलेशन ना किशोर कुमार से शुरू और टेलर स्विफ्ट पे खत्म। सब लड़के तो समृद्ध की तरह जाली नहीं होते। उजन की एक्स ने भी उस पर चीट किया था। आई एम श्योर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। एक्स को सभी गाली देते हैं अमृता, एक्स का मतलब ही गाली देना होता है। तो एक जर्नलिस्ट है, सोर्स के बायस को समझ। बायस के बिना प्यार नहीं होता यार। और अबाउट टैनल के बिना? वो मुंबई शिफ्ट करने के लिए रेडी? अरे रुक, पहले नौकरी तो मिलने दे। तुझे नौकरी मिलेगी ये तो तू भी जानती है, और सब कुछ इन 3-4 महीनों में ही होगा। नहीं बताया प्यार कर रही है, और बताया नहीं कि मुंबई शिफ्ट कर रही है। थोड़ा टाइम दे। फिर से गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रही है इमोशंस को। लोगों के डैडी इश्यूज होते हैं, तेरे भाई इश्यूज। भाई अभी कहाँ से आए इसमें? तेरे भाई ने कुछ दिन पहले अपनी जर्मन गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन किया है ना, और तू बोल रही है इसका उसके साथ कोई रिलेशन है। बच्ची हूँ क्या मैं? अभी भाई के साथ कंपीट करने जाऊं? न्यूज छोड़ना है, चलती हूँ। नहीं नहीं छोड़ना क्यों पड़ेगा, बोल। टिपिकल लॉजिकल कंक्लूजन से भाग रही है ना।